तो आज मैं ब्लॉक्स फ्रूट के अंदर इस न्यूब अकाउंट को बनाने वाला हूँ, बिल्कुल प्रो लेवल का अकाउंट, एंड साथ में आपको प्रो बनाने वाला हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं रोबोक्स यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास रोबोक्स है भी नहीं। तो यस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो जिससे कि मेरे पास रोबोक्स आए और मैं आपको भी गिव अवे करूँ। तो इसके अंदर देखो, हमको चाहिए होता है फ्रूट, जिसके लिए हमको चाहिए पैसे और जिसके लिए बनना होगा हमको पावरफुल, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास एक कॉम्बैट, ठीक है, इससे हम बंदों को मार सकते हैं। एंड इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कि होती है फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से हम फ्रूट्स खरीद सकते हैं। ये देखो, ये रहे फ्रूट्स। तो ये देखो, बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर जितना महंगा होता रहेगा उतना अच्छा अच्छा फ्रूट्स आते रहेंगे हमारे पास, और बहुत ज़्यादा बेस्ट बेस्ट फ्रूट्स होते हैं। एंड इन फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा ओपी पावर है। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्राइंड करना, ठीक है। अभी हमारे पास देखो 100 रुपये। तो देखो, अभी आप क्यू दबाओगे तो ऐसे तेज तेज भाग सकते हो। देखो, नीचे एनर्जी भी डाउन हो रही है। तो प्रो बनने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से एक शिप, मतलब कि एक आपको नाव निकालनी है। एंड ये देखो, मैंने फ्री में बोट निकाल ली है। और भाई ये देखो पीछे कैसे कैसे बंदे हैं भाई, मैं जल्दी से निकल लेता हूँ भाई। ओके, तो गाइस देखो, जो हमारी जो जगह है इसका नाम है प्राइवेट स्टार्टर, ठीक है। एंड जो सामने वाली है ये है टाउन। तो अभी हमको जाना है फाउंटेन सिटी, जिसके लिए आपको बिल्कुल लेफ्ट जाना है इधर से, ठीक है। अभी आप यहाँ आ सकते हो। देखो भाई, रात हो गई है, वहाँ से आते आते में देखो हम उधर से चले थे, उधर से, और अभी इधर आ चुके हैं। तो अभी देखो, अभी हमको जाना है ऊपर, ठीक है। एंड देखो, जो जो बंदे हम, जैसे कि हम भी पायरेट्स हैं, कुछ भी बन सकते हो फिर आप, तो सबका मतलब सेम ही होता है। पर देखो, जैसे ही हम उनको मारते हैं तो हमको 518 रुपये मिल सकते हैं, तो ये हम बाउंड्री ले सकते हैं। तो देखो, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रो वाली सिटी है। देखो, इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, 625 लेवल के बंदे के लिए ये वाली सिटी। पर हम जब भी इधर आके मारेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ एक ग्लिच है जो कि फंस जाता है जिसमें बंदा, तो हम इसको ऐसे मार सकते हैं। एंड अभी आपको यहाँ, मेरे को पता है यहाँ बहुत ज़्यादा देर लगेगी मारने में, पर आपको मारना है, क्योंकि एक ही बारी में आप जितने 100 बंदे मारोगे ना, 100 चीज़ें मारोगे स्टार्टिंग वाली, उनके बराबर यह खेल है, ठीक है। ये दो, और अब देखो एक ही बारी में हमारे पास हो चुका है 23 लेवल, ठीक है, 23 लेवल हो चुका है। एंड मेन्यू के अंदर हम देखें तो देखो, ये होता है स्टैट। इधर हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं, हमारे पास 66 है देखो। तो इनमें से हम आधे आधे बांट लेते हैं, ठीक है। तो आधे हम देंगे मिली को और आधे हम देंगे डिफेंस को, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो डिफेंस से हमारी हेल्थ बढ़ जाएगी, एंड मिली से हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और मारने का ताकत है वो बढ़ जाएगी। एंड वापस हमको ऐसे ही मस्त मारना है इनको। और अब देखो, पहले मैं 7 का डैमेज दे रहा था, अब मैं 20 का डैमेज दे रहा हूँ। ओके, तो फाइनली भाई ये भी मरने वाला है। एंड भाई ये कभी कभी डैमेज भी देते, ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहना। और ये तो मैं न्यू वाली पावर यूज़ कर रहा हूँ उसके सामने। अरे मैंने इसको बाहर फेंक दिया, क्या पागल हूँ यार मैं। पूरी देखो, बंदे अपनी अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं यार, ये मेरा ये ना। और क्या, जिस बंदे की वजह से देखो मेरा NPC जा चुका है। तो भाई इन बंदों से दूर रहना यार, अगर ऐसे कुछ आपको बहुत सारे बेकार बंदे मिले तो आप सर्वर चेंज कर लेना। गाइस फाइनली ये भी मर गया। और ये देखो, अभी हमारे पास हो चुका है 1500 रुपीज एंड 33 लेवल हो चुका है। तो अभी हम यहाँ बढ़ाएंगे थोड़ा सा अपना डिफेंस। ओके, तो देखो थोड़ा सा पैसा होने के बाद, मतलब 2000 कुछ होने के बाद, अभी आपको वापिस जाना है, मतलब जहाँ हमारा घर था पायरेट स्टार्टर पे। तो उसके लिए आपको हम वाला बटन दबाना है एंड आप टेलीपोर्ट जाओगे 5 सेकंड के अंदर। ओके, तो देखो अभी हमें पायरेट स्टार्टर में, ठीक है। एंड अभी हमको जाना होगा पायरेट विलेज, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है। ओके, तो देखो मैंने वापस कर लिया अपनी शिप स्पॉन। एंड अभी हमको जाना होगा इस साइड, देखो वो दिख रहा है आपको, उधर अभी हमको जाना है। एंड यस, अगर आपको दूर दूर तक चीज़ें देख रही है तो आपको हाई कर लेनी है अपनी सेटिंग, ठीक है, फिर आपको दूर दूर तक की चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी दिखेगी। ओके, तो देख सकते हो मैं पहुँच गया हूँ इधर। एंड अभी इधर हम अपना जो मतलब, एंड अभी हम यहाँ पार्क कर लेते हैं, मतलब जो बोलते हैं इसको पोर्ट, जो भी बोलते हैं हम कर लेते हैं भैया, मतलब खड़ा कर लेते अपना शिप का। एंड अभी देखो यहाँ हमको मिलता है पायरेट्स वगैरह। देखो भाई ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ जाना है बाहर, एंड यहाँ आपको लेनी होगी क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको दबाना है। एंड अभी यहाँ पायरेट्स में जाना है, ठीक है। पायरेट्स में जाने के बाद
तो देखो सोशल तो इधर जाने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। एंड अभी कन्फर्म करने के बाद देखो अभी हमको 3,000 रुपये मिलेगी अगर हम 8 पायरेट्स को मारेंगे। एंड साथ में एक्सपी तो मिलने ही वाली है, अलग से 30,000 एक्सपी मिलेगी। एंड इनको मार के तो अलग से एक्सपी मिलती है। तो देखो जितना हो सकता अपनी पावर यूज करके मारो तो बढ़िया। वेट गाइस मैंने इसको पानी में धक्का दे दिया भाई, ये जिंदा कहाँ होगा। अच्छा देखो ये रहा, ये इधर आ गया। एंड ये देखो मैंने इसको मार दिया और मेरे को वैसे भी मिल गया बहुत सारे पैसे। एंड इधर भी हमारे एक हो चुका है पायरेट। तो अभी आपको यहाँ जल्दी जल्दी से सबको मारना है ठीक है। ये देखो भाई मैंने 4 एक साथ मारे और हमारे पास हो जाएगा 2-2 लेवल अप। एंड एक बचा है भाई इसको थोड़ा सा अलग से मारते हैं और ये मर चुका है। एंड अभी देखो हमारे पास हो चुका है क्वेस्ट कंप्लीट। एंड हमारे पास होते हैं 6,000 रुपीस। एंड देखो हमको एक आइटम मिला स्क्रैप मेटल, इनसे हम बाद में आके कुछ चीज़ें बना सकते हैं, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके तो अभी हमको करना है वापस से क्वेस्ट, क्योंकि हमको चाहिए लेवल 40 ठीक है। लेवल 40 कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेवल 40 करने के लिए वापस आपको पैट्स वाली ये कर लेनी है कन्फर्म। एंड देन आपको इसको करते रहना जब तक आपका लेवल 40 नहीं होता। एंड ये देखो हमारा हो चुका है लेवल 40 और हमारी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड हमारे पास देखो भाई 12,000 रुपये आ चुके हैं। देखो भाई कितनी जल्दी 12,000 रुपये आ चुके हैं मेरे पास। तो भी देखो हमको यहाँ से लेनी है क्वेस्ट ठीक है। एंड अभी आप यकीन नहीं करो हम किसको माने जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं ब्रूट्स को। तो देखो ब्रूट्स के लिए चाहिए होती है मिनिमम लेवल 40 ठीक है। तो आपको 40 का लेनी है, कन्फर्म दबा देना ठीक है। इससे हमको 3,500 रुपये मिलेंगे। तो यस अभी आपको यहाँ जाना है। एंड अभी आपको बिल्कुल जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ तक आना है। एंड अभी आपको देखो इधर तक जाना होगा। एंड हाँ बिल्कुल भी इनसे हाथों से लड़ने का ट्राई मत करना क्योंकि आपको वन शॉट कर देंगे ठीक है। 40 लेवल इन्होंने बोला है, बट भाई जब भी आपको वन शॉट कर सकते हैं आराम से। ये देखो मैं जल्दी से इसको मार के दूर चल जाता हूँ। एंड अभी आपको सबके सबको एक साथ लाना है ठीक है। एंड पता नहीं गाइस ये बंदे डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं भाई बार बार। अब ये चले गया भाई देखो। ओके तो देखो इन सबको आपको यहाँ लाना है घर के पास। फिर वो ऐसे लाए एंड ये देखो ऐसे आपको यहाँ फंसा लेना है। एंड अब ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका ठीक है। एंड अभी आपको यहाँ इनको मारते रहना। और ये सच्चे मैंने तीनों को तीनों मार दिया। एंड भाई जैसे देखो हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा एक्सपी मिलती है। तो देखो अभी अब मैं जल्दी से वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ ऐसे ही। ओके तो फाइनली हमने 55 लेवल कर लिया है क्रॉस ठीक है।
एंड देखो इधर एक बॉस होता है, तो अभी वो इधर नहीं है क्योंकि किसी ने इसको मार दिया, तो अभी हम यहाँ सर्वर पे दबाएंगे एंड या किसी और सर्वर के अंदर जाएंगे ठीक है। इधर आपको क्वेस्ट पे जाना है एंड यहाँ बॉबी को सेलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ देखो हमने 55 लेवल कर लिया तो कन्फर्म दबाना है। एंड ये देखो ऊपर आपको दिख ही रहा होगा ये है बॉबी, तो इसको हमको मानना होगा, इससे हमको 8000 रुपीज़ मिलेगा और बहुत सारी एक्सपी मिलेगी, 45000 एक्सपी मिलेगी भाई। तो एंड हाँ इससे थोड़ा बचा बचा खेलना भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पेशेंस से खेलना है ठीक है, आपको मतलब बार बार हाथों से मारना, तो आपको बस दूर दूर भागना है जब तक आपकी ग्राउंड वाली एबिलिटी होती नहीं आती नहीं। एंड हाँ मैंने इससे जीतने का वो वाला ही ट्राई एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि उस वाले तरीके से हम जीत सकते हैं। देखो अभी हम पहले इसको बॉबी को भगाते हैं एंड बॉबी को भगाते भगाते थोड़ा सा दूर इधर लाते हैं एंड अब इधर जाके इसको मारते हैं। वो भाई ये दीवार तरीका तो काम कर रहा है, पर देखो गाइस इसने हमारी पावर लगाई है पर इससे हमको ज़्यादा डैमेज होगा नहीं, तो हम जब भी जीत सकते हैं। एंड ये देखो हमने बॉस मार दिया और हमको 56 मतलब हमको 8000 रुपीज़ और भी मिल चुके हैं। एंड अभी हमको क्या करना है, अभी हमको बस इसको बॉस को मार मार के 60 लेवल तक पहुँचना है। अब आप बोलोगे बॉस तो भाई वापस स्पॉन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है वापस से वही सर्वर में जाना है एंड कोई भी रैंडम सर्वर में चले जाना है, ज्वाइन कर लेना है। और ये हम 60 लेवल के भी हो चुके हैं और हमारे पास देखो भाई पैसे कितने सारे हो चुके हैं भाई, जो प्रॉपर बंदे होते हैं ना उनके पास भी इतने पैसे मुश्किल से आते हैं ठीक है। एंड ये फाइनली देखो हमारा मिली भी पूरा 100 लेवल तक हमने पहुँचा दिया एंड इसके वजह से देखो हमको एनर्जी बहुत सारी मिलेगी, तो हम आराम से ऐसे उड़ सकते हैं, तेज तेज भाग सकते हैं। तो देखो अभी हमने 60 पॉइंट्स किया है एंड अभी हमको जाना पड़ेगा डेजर्ट में ठीक है, डेजर्ट में हमको बहुत सारा मस्त मस्त चीज़ें मिलने वाली है। एंड अभी हम यहाँ होम वाले बटन पे दबाते हैं जैसे कि हम पहले वापस जा सके पायरेट स्टार्टर पे। एंड देखो मैं इस वाले आइलैंड पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले से रहती है NPCs वगैरह एंड इधर से सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड अभी आपको यहाँ एक बोट खरीद लेनी है एंड बिकॉज अभी हम अमीर बन चुके हैं तो हम महंगी वाली बोट खरीद सकते हैं। एंड ये देखो ब्रिगेड, एंड देखो भाई एंड कहीं कहीं ना भाई आपको ये देखो 600 रुपये की मिलेगी वाली बोट सिम टू सिम, कहीं कहीं आपको 1000 की मिलेगी जिसकी हाँ मिल रही है, तो यहाँ थोड़ी सी महंगी मिल रही है बट और जगह जाओगे तो वहाँ सस्ती मिल सकती है, फिर इतनी मिल सकती है इतने की। तो देखो हमारा ये मिडिल टाउन है, अभी हमको इधर से बिल्कुल राइट जाना है ठीक है, जिसके हम मतलब लेफ्ट जाना है सॉरी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही चलते जाना है। देखो पिछली बार हम ऐसे सीधा गए थे पर अब की बार हमको बिल्कुल मतलब अपना जो स्टार्टर वाला आइलैंड है इसके हॉरिजॉन्टली जाना है देखो ऐसे, एंड ऐसे सीधा जिधर जाते जाते देखो भाई बड़ी जल्दी आ गया डेजर्ट भाई। पता है क्यों, क्योंकि जो हमारी फ्री वाली बोट है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलती है एंड वाली बोट बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है एंड देखो उसके अंदर हम गोले वगैरह मार सकते हैं। ये देखो अभी हम यहाँ वापस से डॉक कर लेते अपने शिप को एंड हाँ थोड़ा सा महंगा शिप है तो उसकी थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, तो बस कोई ले जाए ना भाई मेरे शिप को इधर से। एंड हाँ अभी जो है हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है AFK करने की जगह वो है ये वाली जगह ठीक है, जो डेजर्ट है इधर हम सबसे बेस्ट मतलब AFK मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड इधर ये कर सकते हैं अभी के लिए। तो इधर से आपको उठाना है बैंडिट का ये एंड फिर कन्फर्म दबाना है एंड फिर ये देखो भाई 4000 रुपये देते हैं ये, तो मतलब बॉबी वाला तो एक ही बार आता है पर ये बार बार स्पॉन होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो मारने का क्या तरीका है, आपको पहले एक दो को मारना है, तेरे को ऐसे पहले मैंने एक को मारा एंड पता नहीं ये सर्वर को क्या है भाई, इंटरनेट का इशू है ऐसे सर्वर में कुछ। एंड अभी आपको सारे बंदों को ल्यूर कर देना अपने अपने पास एंड इसके बाद आपको यहाँ अपनी ग्रैंड स्मैश वाली पावर करनी है एंड अगर आप पिट वेट गए तो कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि जिस आइलैंड पे आप पिटते हो वहीं आप वापस से स्पून जाते हो एंड आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होता मतलब क्वेस्ट वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो हमारा उधर ही झुंड बना हुआ है तो भी हम वापस ऐसे फेलते सबको। एंड देखो भी हमारे पास हो चुका है 80000 रुपीज़ एंड हाँ मैंने जैसे कि बोला था इधर हम सबसे अच्छा ग्राइंड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ करना अपना होम सेट, तो इसलिए आपको यहाँ अपना सेट होम करना पड़ेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ किधर है वो, तो देखो ये रहा सेट होम पॉइंट। अभी अगर आप कहीं भी जाओ मतलब यहाँ होम वाले बटन पे दबा के यहाँ आ सकते हो। एंड अभी देखो हमको क्या करना है, देखो जैसे कि भी आप देख सकते हो तो सबको भाई चाहिए होता है कि वो ऊपर ऊपर तक उड़े ठीक है, तो अभी देखो हम जंप कर रहे हैं तो इतना ही ऊपर तक जा रहे हैं, तो भी हमको एक एबिलिटी अनलॉक करनी पड़ेगी जो कि टोटल 3 एबिलिटी होती है गेम के अंदर, उनमें से हम पहली अनलॉक करने वाले हैं।
तो उसको लॉक करने के लिए हमको जाना होगा आइस वाले आइलैंड पे, ठीक है। एंड अभी देखो जस्ट कि आपको डॉक दिख रहा होगा, बिल्कुल आगे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में हमको आगे तक जाना है, ठीक है। एंड गाइस लगता है थोड़ा सा मैं गलत आ गया मेरे को, क्योंकि यहाँ मिडिल टाउन पे नहीं, ये मतलब ये मिडिल टाउन है, ये रहा देखो गाइस, ये है प्रिजन स्टार्टर। अभी आपको बिल्कुल इसको भी बिल्कुल सीधे जाना है। हम यहाँ अपना पार्क कर लेते हैं और हम पहुंच चुके हैं फ्रोजन विलेज के अंदर फाइनली। एंड गाइस मेरे को ना ये 1000 रुपीज में, एंड गाइस मेरे को ये शिप 1000 रुपीज में बहुत ज़्यादा वर्थ इट लग रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो भी देखो आपको आप किसी से पंगा लेना, क्योंकि भाई आपको नंगा करके रख देंगे सबके सब, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रो बंदे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रो बनना पड़ेगा आपको यहाँ आने के लिए, जो कि हम बनेंगे पर थोड़ी देर बाद। तो इधर आपको यहाँ जाना है एंड अभी इधर मिलेगी आपको एक केव, ठीक है। एंड केव के अंदर जाती आपको देखो तो चेस्ट ले लेनी है, चेस्ट आपको जहाँ भी देखिए लूट लेनी है, ठीक है। एंड ये देखो भाई हमको 1000 रुपीज ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो अभी हम यहाँ जाना है एबिलिटी टीचर के पास एंड इधर से हम ले लेंगे एयर जंप, ठीक है, और इसको 10000 रुपये दे के हमको सीखना होगा। एंड ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एयर जंप में होता क्या है। तो देखो हम एयर जंप से ऐसे कूद सकते हैं, देख रहे हो भाई क्या मस्त चीज़ है, तो इससे हम उड़ भी सकते हैं ऑलमोस्ट। और हाँ हमारे पास थोड़ा सा पैसा है तो हम और भी एबिलिटीज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इधर ये तीन एबिलिटीज आते हैं, हमने दो सीख लिए। एंड ये है फ्लैश स्टेप जो कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, पता नहीं इसमें क्या होता है, मतलब अच्छा। एंड इसमें हम बहुत ज़्यादा तेज भाई कर सकते हैं, मतलब उधर से उधर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पर हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। पर दूसरे वाले के लिए शायद से पैसे है, क्योंकि ये होती है 25000 रुपये की। तो इसको हम लर्न कर लेते हैं एंड इससे हम जैसे ही लड़ेंगे हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एंड डैमेज वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं होम पे, ठीक है। अपनी 1000 वाली बोट हम छोड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं क्योंकि यह अभी हम ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे ऐसे। अभी देखो ये होने के बाद अभी हमको बस 90 लेवल तक पहुँचना है, तो ठीक है। तो देखो अभी आपको क्या करना है, इधर जाना है एंड ये डेजर्ट ऑफिसर को मारते हैं अब की बार। तो देखो अभी वो क्या करना है, पहले तो आपको डेजर्ट बैंडिट को मारना है, फिर जब आपके 75 लेवल हो जाएगा तो आपको ऑफिसर को मारना है, ठीक है। एंड फिर इससे करना है पूरा 90 लेवल करने के बाद एंड फिर हमको कर लेना है बस 90 लेवल। तो देखो ये वाला कोड लगाने के बाद आपको 2x मतलब बूस्ट मिलेगा 20 मिनट के लिए एंड इससे आपको डबल मिलेगी चीज़ें।
ओके तो फाइनली हमारा हो चुका है लेवल 90-91 ही हो चुका मतलब, और हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो चुके थे, 1,09,000। एंड अभी हम करने वाले हैं जो आप बहुत देर से मतलब कर रहे थे, मतलब बहुत देर से सोच रहे हो कब लेंगे भाई, हमारा 90 लेवल हो चुका है और अब तक हमने कोई भी फ्रूट नहीं लिया, तो अब हम लेने वाले हैं एक ब्लॉक्स फ्रूट, ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जंगल में, तो चलते पहले एक बोट लेते हैं फास्ट वाली, क्योंकि हमारे पास अब हम अमीर हो चुके हैं भाई। एंड जो एंड जो जंगल है वो बीच में मिल जाता है, तो कहीं ढूंढने वगैरह की दिक्कत नहीं है। एंड ये देखो वो रहा जंगल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से सीधा आके इधर ये रहा जंगल। एंड जंगल के अंदर हमको जाना है। एंड भाई ये बहुत ज़रा है मतलब हमको पहले आना। एंड हाँ जो न्यू प्लेयर होता है भाई वो सबसे पहले इधर ही आते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़रा कम वर्ष ताकतवर बंदे होते हैं, पर हम सीधा प्रो बन गए सीधा, ठीक है। अभी हम प्रो है, ठीक है, क्योंकि हमारा 91 लेवल है। और ये देखो पायरेट्स के, एंड ये देखो पायरेट्स के अंदर भी हम सेकेंड रैंक पे, ठीक है। और भाई हमारी बोट बस कोई चोरी ना कर ले भाई, 1,000 रुपये की जब भी महंगी आती है। तो ये देखो मैं इनकी बात कर रहा था, ये छुट्टू इतना ज़्यादा कम ताकतवर है, देखो इनको हम एक दो शॉट के अंदर ही उड़ा दे रहे हैं, तो आप समझो हमारी पावर कितनी ज़्यादा हो गई है। नहीं अबे चल यार मुझे और भी चीज़ें खरीदनी वीडियो के लिए, सच्ची बता रहा हूँ। ओके देखो ये है हमारा ब्लॉक्स फ्रूट काचा, ठीक है। इसको आप कोई भी आइलैंड से नहीं मतलब और आइलैंड से आप खरीद सकते हो सीधा ब्लॉक्स फ्रूट, पर इधर से आप गाचा से मतलब ले सकते हो कम रुपये में, वो भी महंगा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो हर 2 घंटे में आपको मिलता है, तो आपको ऑल राइट दबाना है। एंड अभी देखो हम 91 लेवल के, तो हमको 38,000 का पड़ेगा रैंडम फ्रूट, तो देखते हैं कौन सा फ्रूट आता है हमारी किस्मत से। एंड हमको मिला कुछ रबर फ्रूट, मेरे को इतना अच्छा तो लग नहीं रहा, पर चलो जो भी मिला है खा के तो देखते हैं भाई, चलो। एंड ये देखो हमारे पास हो चुका है ये रबर फ्रूट, एंड इसकी ताकत है तो बहुत ज़्यादा यार,
तो अभी हमारे कोई ताकत तो... अरे भाई ये क्या चीज़ है, एक सेकंड अब दिखता है गाइस, क्या मस्त चीज़ है भाई। भाई पूरा पेड़ तक गिरा दिया इसने। ओके गाइस, अब एक और चीज़ का वक्त आ चुका है जो कि है स्नो आइलैंड पे जाके उन बंदों को मारना, ठीक है, जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो उनको भी हमको मानना है। इधर देखो भाई बोट महंगी मिलती है, पता नहीं क्यों, बट कुछ कुछ जगह पे 600-600 की बोट मिलती है, सेम टू सेम ये वाली। एंड ये देखो ये हमारा जंगल वाला है, एंड इधर ये किंग मतलब वो है चिंपैंजी, जहाँ भी हमने इसको मारा है, अभी किंग को मारा है, मंकी किंग को। तो अभी आपको इधर बिल्कुल सीधा जाना है इससे, एंड ये हमारा स्नो वाला। इधर का आइलैंड बहुत ज़्यादा पास में है, अगर आप मतलब अच्छे से आपको मैपिंग वगैरह पता हो तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर आइस वाले पे चलते हैं, एंड अभी देखते हैं हम क्वेस्ट ले सकते हैं क्या स्नो बैंडिट। एंड ये देखो 90 लेवल हो चुका है हमारा, एंड अभी हम क्वेस्ट ले सकते हैं, और अभी हमको बस इनको पकड़ पकड़ के मानना है भाई। तो भी हमको वापस पावर स्पिन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी भी अच्छी पावर नहीं है जितनी हमको लग रही है, मतलब कि इससे भी अच्छी अच्छी पावर्स होती है। तो अगर वो अच्छे निकली तो हम वॉल लगा लेंगे, या फिर ये वरना ये वाली रहने देंगे। और अपने को 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, बस अच्छा लगो प्लीज़ अच्छा लगो। एंड हमको मिला है डार्क फ्रूट, मेरे को कुछ तो अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये इससे तो अच्छा ही होगा, तो चलो इसको लेके देखते हैं। ओके गाइस, मैंने खा लिया है, एंड ये देखो हमारे पास आ चुकी है शक्तियाँ, और अभी इसको मार दें भाई। ये कितना मस्त चीज़ है भाई, पहले वाले से तो बहुत ज़्यादा मस्त है भाई ये। ओके तो गाइस, हमारा 100 लेवल इस वीडियो के अंदर हो चुका है, एंड हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मस्त डार्क वाली पावर भी आ चुकी है। और अगर आपको उसका अगला एपिसोड चाहिए लेवल 100 to 200, तो कमेंट में बताना जल्दी से, और मैं लाऊंगा। एंड या लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दे। सो बाय बाय।